तो दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा कि हमें दो आंखें क्यों है। बेसिकली आप कहोगे वाइड फील्ड ऑफ विजन के लिए, वाइड व्यू के लिए। पर दोस्तों देखिए यहाँ काफी सारे और भी रीजंस है। ऐसे वाइड व्यू ऑफ मीन्स वाइड फील्ड ऑफ विजन से देखा जाए वैसे तो हमारे 360 डिग्री में भी आंखें हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती। हमें पीछे का भी दिखता था, साइड का भी आराम से दिखता था, हमें गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर दोस्तों हमें दो आंखें क्यों दी गई है? तो दोस्तों देखिए यहाँ दो आंखें इसीलिए दी गई है क्योंकि ये बेसिकली हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को पहली बात मैच करती है, राइट। क्योंकि दोस्तों देखिए आपने अक्सर देखा है हमारे दो आंखें दो कान है, दो हाथ है दो पाँव है। बेसिकली ज्यादातर जो भी ऑर्गन्स है आपको तीन या फिर चार नहीं दिखेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देंगे पेयर्स में। तो दोस्तों देखिए किडनी पेयर्स में, राइट, पाँव पैर में, हाथ पैर में। तो दोस्तों यहाँ आपके बॉडी में ज्यादातर जो भी सिस्टम है, लंग्स लीजिए पैर्स में, राइट। तो दोस्तों जो भी ज्यादा मेन ऑर्गन है वो बेसिकली पैर्स में। तो दोस्तों यहाँ कान हमारे पैर्स में, तो आंखें भी पैर्स में। पर दोस्तों हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें ऐसे एकदम पीछे पीछे मुड़कर देखने का नहीं होता, तो पीछे आके क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों देखिए आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है चलने घूमने फिरने के लिए, वो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है जो कि आप खाते हो वगैरह। पर दोस्तों देखिए अगर आपकी बॉडी ऐसी कोई चीज हो जिसको 24 आवर्स उसे पावर देनी पड़े तो उसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत होगी। तो दोस्तों उतनी बॉडी पावर यूज नहीं कर सकती या फिर प्रोवाइड भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों देखिए हम ऐसे थोड़ी ना 24 घंटे में से 6 घंटे खाना खाते रहे या फिर ऐसे तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ जो भी ऑर्गन्स है उसके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए वो पैर्स में दिए गए। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप वैसे देखेंगे तो दोस्तों आप जब भी बैठते हो आपके मसल स्टेडी है, नो एनर्जी, बस आपके आंखें वर्क कर रही रहती है और ब्रेन वर्क कर रहा रहता है। तो दोस्तों देखिए ब्रेन्स में भी काफी सारे पार्ट्स रहते हैं, वो रही अलग बात। पर आंखें तो चार हो सकती थी, छह भी हो सकती थी, पर हमें दो क्यों है? तो दोस्तों देखिए दो आंखें इसीलिए क्योंकि हमें उसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, राइट। जो दो आंखें वो सक्षम है काफी सारी चीजें देखने के लिए, मीन्स अगर ये आंख बंद कर लेते हो तो दृश्य वो नहीं देख सकते। तो दोस्तों दो आंखों से आप काफी सारा, मीन्स अगर आप वैसे लेते हो तो 165 से 155 डिग्री के एंगल तक आप देख सकते हो। बेसिकली 180 एंगल तक हमें दिखता है, पर हम उतना अच्छे से नहीं देख सकते जो कि हम एक बार में देख सकते। एक बार में उससे मेरा मतलब है कि आप जब भी आप कोई सामने देखते हो तो आपकी सिर्फ इतना ही दिखता है, ये आपको साइड का नहीं दिखेगा। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए हम एकदम हमारे आईज सामने और हमारे प्यूपिल पीछे, और देखिए लाइट यहाँ से तो नहीं जा सकता, लाइट ज़्यादातर यहाँ से आ सकता है, यहाँ साइड से नहीं जा सकता। इसीलिए हमें साइड का उतने अच्छे से नहीं दिखता जब तक हम आँखें घुमा नहीं लेते। और दो आंखें इसीलिए देखने में मदद करती है, और जो कि हमारी दो आंखें हैं वो काफी मीन्स एक रिलायबल है और काफी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देती है हमारी बॉडी की व्यू से। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर दो आंखें हैं तो सब दो पेयर्स में काफी अच्छा दिखता है, और जो कि दो आंखें वो वाइड फील्ड ऑफ विजन देती, और बाद में जो कि दो आंखें वो एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी कम रखती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हमारी दो आंखें क्यों है और हमारी दो आंखें क्यों है कम एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, और बेसिकली अच्छे से कोई भी फील्ड ऑफ विजन देखने के लिए या फिर कोई भी व्यू देखने के लिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हमारी दो ही आंखें क्यों है या फिर हमारे ज्यादातर ऑर्गन्स पेयर में क्यों एक्सिस्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जरूर जरूर हमारी आंखें दो क्यों है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सुझाव तो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।